तो गेम ऑफ थ्रोन्स फैमिली काफी टाइम के बाद गेम ऑफ थ्रोन्स में द शील्ड रीयूनाइट हुई है। और शील्ड के अलावा भी मेरी टीम यानी कि जिनको मैं फेवर करूंगा, रेड वाले जॉन सीना, द वाइपर यानी कि डैडी ऑर्टन, और उसके साथ साथ अरमान ने बताया है कि बटिस्टा उसकी चैनल में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो देखते हैं क्या बटिस्टा कैसा परफॉर्म करता है। भाई 3-13 हो गया, 3 मेरा हो गया, सेथ भी रॉलिंग्स किसका है भाई, वैसे तो बेकी लिंच का है लेकिन यहां पर किसका है, शील्ड तेरी है पूरी। तो मतलब साफ है दोस्तों, अगर शील्ड जीती यानी कि डीन एम्ब्रोस, सेथ रॉलिंग्स या रोमर एक जीता तो मैं जीता, और ये होने वाला है नहीं क्योंकि रेड वाला जॉन सीना, द वाइपर रैंडी ऑर्टन या फिर बटिस्टा में से कोई एक ही जीतेगा, वो देखते हैं भाई। फिलहाल तो मैच शुरू होने से पहले तुम लोग लाइक कर दो भाई, मेरे टीम मेंबर्स सारे एकदम आखिरी में आना, तब मजा आएगा। पहले कौन आया? डीन एम्ब्रोस और रैंडी ऑर्टन। रैंडी ऑर्टन कोई बात नहीं, यानी कि उमंग की टीम का एक मेंबर शील्ड वर्सेस एवोल्यूशन पर चुका है। अरे बचा लिया क्या भाई साहब, ये कैसा था डडी डीड्स था, AEW में जाके लौंडे का फिनिशर बदल गया है, रैंडी ऑर्टन को एक फिनिशर पड़ चुका है। तो भाई ये था डडी डीड्स 2.0, ये था। तो भाई दूसरा फिनिशर के लिए तैयार है डीन एम्ब्रोस। नहीं, रैंडी ऑर्टन तुम्हारे पास भी आरक्यू है, आरक्यू कसम, ये कौन देता है? ये दिया भाई साहब वाइपर स्टाइल में आरक्यू। 1-2 किक आउट, किक आउट कर दिया, कोई बात नहीं, दो फिनिशर और है रैंडी ऑर्टन के पास, एक और आरक्यू लगाओ। सेथ रॉलिंस, अरे सॉरी सेथ नहीं है, डीन एम्ब्रोस, डीन एम्ब्रोस, ओ भाई साहब अगर बाहर दे दिया ना डडी डीड्स तो मजा आ जाएगा, पूरी एनर्जी रैंडी ऑर्टन की खत्म हो जाएगी। सोचो कहीं अगर बाहर आरक्यू पड़ गया तो, ये भी सोच लो। अच्छा कोई और WWE होता ना और रैंडी ऑर्टन के पास आरक्यू होता और ऊपर से कोई उसके ऊपर जंप कर रहा होता तो क्या होता? कैचिंग आरक्यू। पर यार टू के वालों ने यार क्या कर दिया, कैचिंग आरक्यू और OMG हटा करके बहुत गलत किया भाई। बाहर एक फिनिशर देखने को मिल जाता तो मजा ही आ जाता, कौन आ रहा है बाहर? 2-1 किसकी बारी, किसकी बारी? और भाई साहब रैंडी ऑर्टन ने फिनिशर नहीं लगाया बल्कि दो दो फिनिशर दोनों के पास है। ओ भाई साहब कौन आया? द शील्ड के एक और मेंबर यानी कि द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन पड़ गया बाहर भाई। क्या अपने भाई को बचा पाएंगे सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस? अच्छा इसी चक्कर में 1-2 किक आउट, डीन एम्ब्रोस बेचारे की पूरी एनर्जी जा चुकी है। भाई साहब भाई का साथ देने के लिए आ गया सेथ रॉलिंस। तो जैसा कि मैंने पहले ही बोला था, द शील्ड रीयूनाइट इन एलिमिनेशन चैंबर। भाई भाई का साथ नहीं दे रहा है यहाँ पर, तुम देख रहे हो अभी तो रैंडी ऑर्टन के ऊपर टीम अप हो जाएगा। गुड, सही पिन करवा रहा है, मोमेंटम और आ जाएगा, एक पर जाए ना फिनिशर। अरे डीन एम्ब्रोस यार आपस में लड़ लो, बिल्कुल सही, एकदम सही। डीन एम्ब्रोस को आई थी नहीं रेजिलेंस है, डीन एम्ब्रोस को अगर एक फिनिशर पड़ा तो उसका रेजिलेंस चला जाएगा, हेल्थ बहुत कम। लेकिन सेथ रॉलिंस फुल मूड में है कि वो फिनिशर सिर्फ और सिर्फ रैंडी ऑर्टन को देगा। तो चलो एक और आदमी के आने का टाइम हो गया, एक काम करो मेरी टीम से बटिस्टा आ जाओ यानी एवोल्यूशन के एक और मेंबर आ जाओ। रैंडी ऑर्टन क्या कर रहा है, कौन आ रहा है भाई साहब, जल्दी फटाक से बता दो कि कौन आ रहा है। रैंडी ऑर्टन और सेथ रॉलिंस ने टीम अप कर लिया था लेकिन द एनिमल बटिस्टा, देखते हैं किसकी तारीफ मैंने बहुत सुनी है, देखते हैं जरा कि एनिमल बटिस्टा कैसा खेल पाते हैं। तो बटिस्टा रिंग के अंदर आ चुके हैं, अभी तक सिर्फ डीन एम्ब्रोस की एनर्जी कम है और किसी का कुछ नहीं हुआ है, बल्कि यार 3-3 फिनिशर मैंने सबको दे रखा था, क्या कर रहे हो? कोई कुछ नहीं कर पाया है, कोई किसी को फिनिशर भी नहीं दे पाया है। रैंडी ऑर्टन मूड में, पंच के चक्कर में, किक के चक्कर में लगता है डीन द लेजेंड किलर, जैसे कि उसने कल की स्मैकडाउन में बोला लेजेंड किलर, मां कसम कांड। तो भाई लगता है डीन एम्ब्रोस का रेजेंस गया। 1-2 रेजेंस गया डीन एम्ब्रोस का, एक आरक्यू या फिर सिग्नेचर में भी टाटा हो जाएगा क्योंकि डीन एम्ब्रोस काफी ज्यादा डैमेज हो चुका है, उसका हेड रेड हो चुका है और बॉडी ऑरेंज। भाई डीन एम्ब्रोस अपना फिनिशर बचा के कहां ले जाओगे, AEW में कहां यूज करोगे? फिनिशर से याद आया कि बटिस्टा फिनिशर ट्राई करने का कोशिश किया था पर कोई नहीं, बचा लिया सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस ने। सेथ रॉलिंस ने अभी तक अपना अभी कौन आ रहा है फिनिशर परफॉर्म नहीं किया है, डीन एम्ब्रोस बाहर एक फिनिशर तो दे दो यार। जॉन सीना रोमन रेंस कौन आने वाला है? जॉन सीना आ चुका है भाई, यानी कि मेरा रोमन रेंस आखिर में नजर आएगा। जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन, नहीं डीन एम्ब्रोस वर्सेस जॉन सीना चल रहा है यहां पर, वो सही है। डीन एम्ब्रोस फिनिशर दे ही दो जॉन सीना को, पब्लिक इंतजार कर रही है। डीन एम्ब्रोस ने बोला कि यार मैं तो जाऊंगा, जॉन सीना तुमको भी लेकर के जाऊंगा। सेथ रॉलिंस ये सीन है, अरे यार डीन एम्ब्रोस कभी भी एलिमिनेट हो सकता है, फिनिशर डर्टी डीड्स के यार भाई को डर्टी डीड्स नहीं लगा रहा है, कॉन्स्पिरेसी देख रहे हो तुम लोग। अच्छा बचा लिया जॉन सीना का फिनिशर, जॉन सीना फिनिशर दे रहा है, अरे यार अच्छा भाई अब जॉन सीना पे टीम अप क्यों करने लगते हो तुम लोग, जॉन सीना से क्या प्रॉब्लम है? सेथ रॉलिंस मार खा रहा है जॉन सीना का, तो डीन एम्ब्रोस फिनिशर लगा रहा था, सेथ रॉलिंस बचा लिया भाई, बहुत गलत बात है। 3-3 फिनिशर रेड वाले जॉन सीना तुम्हारे पास भी है, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ कॉन्स्पिरेसी कर रखी है, ट्राइबल चीफ रोमन रेंस आने वाला है। फिनिशर पर गया जॉन सीना को, वेरी गुड डर्टी डीज, रोमन रेंस की बेल्टी हो सकती है कभी भी। 1-2 किक आउट, एक और फिनिशर रोमन के आने से पहले,
रोमन तीन तीन फिनिशर लेकर क्या है, यानी तीन तीन स्पीयर लेकर क्या है भाई साहब। रोमन रोकना मत उसको भाई, फिनिशर दे दे दे। रोमन डीन के चक्कर में कसम से भाई साहब अपने भाई के साथ गद्दारी रखता है, डीन एम्ब्रोस टाटा बोल देगा। और पहला एलिमिनेशन कसम सब आते के साथ डीन एम्ब्रोस को लपेट के गया। तो रोमन ने पहला एलिमिनेशन कर दिया। भाई तुम खुश मत, भाई तुम खुश मत हो, तुम्हारी टीम में से ये क्यों लेकर के गया। मैं तो एक्साइटेड हो गया था रोमन के चक्कर में, तुम भूल चुके हो ये चीज। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रोमन सेठ को नहीं, आप इसके टीम में से किसी बंदे को एलिमिनेट। रैंडी ऑर्टन ने जॉन सीना का फिनिशर डॉज कर दिया, बचाया नहीं है, डॉज कर दिया। और दो तीन तीन फिनिशर है जॉन सीना के पास, तीन तीन फिनिशर है, पांच बंदे बाकी है, यानी कि सिर्फ चार एलिमिनेशन और होगा यहाँ पर। रैंडी ऑर्टन क्या कर रहा है, दो पुराने दुश्मन रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना आपस में भिड़ चुके हैं। रोमन रेक्स ने डिसाइड कर लिया है कि तेरी पूरी टीम को रोमन रेक्स ही खाएगा, वो सेठ और इसके पीछे है अभी। मुझे भी ऐसे ही कुछ लग रहा है, क्या कर रहा है रोमन। और क्यों तू जॉन सीना रेजलेस नहीं, रेड वाले जॉन सीना रेजलेस मत लेके जाना प्लीज। टू थैंक यू रैंडी ऑर्टन ने मेरा काम हल हल्का। अरे रैंडी ऑर्टन क्या हो गया भाई साहब, जॉन सीना गया यार, वो पंड किक के चक्कर में लग रहा है मेरे को। अगर पड़ गया तो गया जॉन सीना। अरे जॉन सीना टाटा बोल चुका है भाई, स्मैकडाउन के पास से रैंडी ऑर्टन को कुछ हो गया क्या। 1 2 3 अमन की सबसे बड़ी उम्मीद जॉन सीना यहाँ से जा चुका है। देखो रैंडी ऑर्टन तुमने एलिमिनेट किया जॉन सीना को, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुमको हराना है सभी लोगों को। अब बराबरी की जंग चल रही है, दो मेरे दो अमन के, अब देखते हैं कि इस जंग में कौन जीतता है। सेथ रॉलिंस गलत बात है, फिनिशर मत देना यार, रोमन की हेल्थ सबसे ज्यादा भाई, सबसे ज्यादा हेल्थ है। और सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस नहीं, रैंडी ऑर्टन की भी अच्छी खासी हेल्थ है, और रैंडी ऑर्टन रैंक 1 पे आया, सोचो। मेरे को इससे भी दिक्कत नहीं, सेठ फ्रीकिंग रॉलिंस या रोमन रेंस एक दूसरे को एलिमिनेट भी कर सकते हो, मैं उसके भी अगेंस्ट नहीं हूँ, एलिमिनेट कर दो। स्पीयर के चक्कर में स्पीयर बचा लिया भाई, बिल्कुल गलत हुआ लेकिन कोई बात नहीं यार। बडिस्टा की इतनी तारीफ सुनी थी, बडिस्टा तो कुछ कर ही नहीं रहा, तीन तीन फिनिशर है इसके पास। हाँ बता ना, फेल गेम में अरमान ने इतनी तारीफ की थी बडिस्टा की कि काफी अच्छा परफॉर्म करता है, आज कुछ कर क्यों नहीं रहा है भाई। और यार उसी ने सजेस्ट किया कि यार कभी तुम लोग अपने वीडियोस में बडिस्टा को खिला करके देखो, आज देख लिया कुछ नहीं कर पा रहा। रैंडी ऑर्टन वर्सेस सेथ रॉलिंस, अब ना हुआ अच्छा मैच, मैं बता रहा हूँ सेथ रॉलिंस एलिमिनेट कर दे रैंडी ऑर्टन को। सेथ की एनर्जी देखो मैं बहुत कम है, लेकिन रेजिडेंस है सेथ के पास। बारे रैंडी ऑर्टन बचे कर तब ना भाई साहब, रोमन रेंस ने लपेट लिया, लेकिन यार रेजिडेंस किया बिल्कुल सही हुआ रैंडी ऑर्टन। अच्छी खासी हेल्थ के बाद रैंडी ऑर्टन रेजिडेंस लेकर के क्यों गए। अभी तक एक एलिमिनेशन रैंडी ऑर्टन कर चुका है, और एक एलिमिनेशन अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस। भाई बडिस्टा तुमको कुछ करना है नहीं करना है डिसाइड कर लो, और एलिमिनेशन चैंबर से खुद ब खुद चले जाओ यार, प्लीज एलिमिनेट होने का वेट मत करो। रोमन रेंस अभी कुछ भी करने के चक्कर में नहीं है। यस रैंडी ऑर्टन को एलिमिनेट कर दो रोमन, इसके टीम का एक और बंदा यहाँ से चला जाएगा। यार बडिस्टा अभी क्यों जोश में आ रहे हो, और रोमन रेंस के ऊपर अपना भाई रैंडी ऑर्टन के पास कुछ नहीं है, ये अनफेयर है भाई साहब। मैच की स्टार्टिंग से ये खेल रहा है और इसके पास मोमेंटम नहीं है, ये बहुत गलत बात है। रोमन एक स्पीयर कब देगा यार, रोमन के पास एक स्पीयर और एक गिलिटी सिग्नेचर भी है यार। बडिस्टा को तो मेरे को कुछ बोलना ही नहीं है भाई, बडिस्टा को अब एक बारी भी देखने के लिए नहीं मिला। रोमन ने बडिस्टा को गिरा दिया, अब रोमन वर्सेस बडिस्टा। यस यार बडिस्टा तेरी बत्ती लग जाएगी बडिस्टा बम के चक्कर में वो। तो भाई साहब बटिस्टा बम मिल चुका है बटिस्टे को, आप गया बटिस्टा। उधर किसका पिन हो रहा है, सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस का रेजिडेंस जा चुका है, और आई गेस बटिस्टा का भी रेजिडेंस जाने वाला है। 1 2 रेजिडेंस बटिस्टा भी का भी खत्म हो चुका है भाई। देखो बटिस्टा अभी भी तुम जलवा दिखा सकते हो, हॉलीवुड में जा, जा। टू एलिमिनेशन बाय रोमन रेंस, सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस और रैंडी ऑर्टन भिड़े। अब उमंग के टीम का दो मेंबर और मेरी टीम का द वाइपर रैंडी ऑर्टन। रैंडी ऑर्टन डराने वाली बात मैं तुझे बताऊं, सेथ रॉलिंस और रैंडी ऑर्टन दोनों के पास रेजिडेंस नहीं है, लेकिन रोमन रेंस के पास है यार। दोनों मिलकर के ना रोमन रेंस को मारो, वो सबसे बेटर होगा। रोमन रेंस की हेल्थ देख भाई काफी ज्यादा है, बॉडी ऑरेंज है रोमन रेंस की। दोनों मिलकर के रोमन रेंस को आपस में मत लड़ो, दोनों मिलकर के रोमन रेंस को मारो। रोमन रेंस मैं बता रहा हूँ, नीचे जाके तुम चिल करो, चिल मारो,
और जब तक सेथ रॉलिंस से रैंडी ऑर्टन आपस में एक दूसरे को एलिमिनेट कर देगा। ऐसे मत करो भाई, रैंडी ऑर्टन और रोमन रेंस को छोड़ो, द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के पास तीन तीन फिनिशर, रोमन रेंस के ऊपर असर नहीं होगा, दो फिनिशर से भी रोमन रेंस नहीं जाएगा। इसका ज्यादा मैटर चालू तो हो, मैं क्या चाह रहा हूँ मैटर चालू तो हो पहले, लेकिन रैंडी ऑर्टन और सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस एक एक फिनिशर का एक फिनिशर पा नहीं कि वो एलिमिनेशन के बाद। यार रोमन रेंस को मोमेंटम मत दो, रैंडी ऑर्टन तुमको चाहिए मोमेंटम, रोमन रेंस को क्यों दे रहे हो मोमेंटम? सेथ रॉलिंस रोमन रेंस धीरे धीरे करके सिग्नेचर और फिनिशर दोनों ला रहा है, बिल्कुल सही रोमन रेंस, जल्दी जल्दी काम कर भाई। अरे बचा लिया, इसके पास क्या है, कुछ नहीं, रैंडी ऑर्टन चला जा मेरे भाई। हाँ चला जा, मैं भी यही बोल रहा हूँ, चले जा रिंग से बाहर, चला जा, इन दोनों को लड़ देते। अच्छी खासी हेल्थ गई हुई थी, बिना रेजिडेंस के किक आउट कर दिया इसने, रैंडी ऑर्टन के सामने नहीं, डैडी इज बैक, सिग्नेचर भी मिल गया रोमन रेंस को यार, अब तो रेजिडेंस गया रोमन का, अब गया, अब कोई नहीं बचा सकता रोमन को। सेट फ्रीकिंग रॉलिंस बस इंटरफियर नहीं करे, क्योंकि ये वाला सिग्नेचर मारने के बाद रैंडी ऑर्टन काफी पोज मारते हैं। देख सेट रॉलिंस यार इंटरफियर कर दे भाई, तेरा भाई है वो, रोमन रेंस का मुंह बोला भाई है, समझ यार मैटर को। हाँ गुड, अब लगता है रैंडी ऑर्टन बिन भी नहीं करने दिया, बचा लिया। चलो रैंडी ऑर्टन के पास आरक्यू, इसको मत देना भाई साहब, इसको छोड़ दो, सेट फ्रीकिंग रॉलिंस के पास भी रेजिलेंस नहीं है, बाद में फाइट करना इससे, रोमन को दो, रोमन रेंस के पास कुछ नहीं, आरक्यू रोमन रेंस की बात सिग्नेचर आ चुका है और अगर रैंडी ऑर्टन का भी एलिमिनेशन कर दिया तो चार, ओ भाई साहब इससे बोलते हैं जीतना। भाई साहब अगर जीतेगा तब ना, रैंडी ऑर्टन के पास भी एक फिनिशर है, उसे रोमन रेंस का सिर्फ और सिर्फ एक फिनिशर बचाना है। रोमन रेंस बचाने मत देना भाई, अगर बचा लिया ना तो पक्का जीत जाएगा रैंडी ऑर्टन। बहुत मेहनत से तुम रैंक वन से लेकर के यहां तक आए हो, प्लीज हारना मत रोमन रेंस, इट्स योर यार्ड, अंदर बाहर ज्यादा मत करो रोमन, फिनिशर लगा दो भाई। रैंडी ऑर्टन कहीं से भी इसका बस फिनिशर रिवर्स करना है, पूरा मैच तेरा है, दो बार आरक्यू तो लगा करके तुम आराम से जीत सकते हो, जॉन सीना को उसी टाइप से तुमने एलिमिनेट किया है। रोमन रेंस अंदर जा, सिर्फ एक फिनिशर, मैं तो बता रहा हूँ, फ्री पिन भी नहीं, मैच कभी भी खत्म हो सकता है। रैंडी ऑर्टन ये बचाना पड़ेगा तुमको, खत्म, टाटा बोल दे भाई, टैप आउट मत करना, टैप आउट, टैप टैप, टैप आउट। रेडियो टन पर अच्छा खेला, रैंक वन से टिका हुआ था। तो विनर ऑफ दिस मैच अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस विद फोर एलिमिनेशन। भाई साहब कोई बात नहीं, अपना बैटल होने ही वाला है, टेंशन मत लो, वो भी करीब है। गेम ऑफ में 2023 का सबसे बड़ा बैटल होने वाला है, वो बैटल क्या है इस बारे में वीडियो बहुत चल रही है। तो चलो मिलते हैं तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, और जाने से पहले वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। तो दोस्तों थैंक यू, गुड बाय, टाटा एंड सी यू, एंड डोंट ट्राई दिस एट योर होम, बाय बाय।